आस्था के कई रूप, मौसम के कई रंग, जिंदगी के कई पहलू और सेहत के कई राज। इन्हीं रूपों, इन्हीं रंगों और इन्हीं पहलुओं से जुड़ा है एक और पहलू, जो है योग का। योग के इसी पहलू की वास्तविकता के साथ मैं डॉक्टर शामोली हाजिर हूँ लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम योग शक्ति। वास्तविक योग को आप सभी से रूबरू करवाने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध योग एक्सपर्ट शैली खेरा जी। योगाचार्य शैली खेरा, आप देश की एक ऐसी महिला योगाचार्य हैं जो सांस्कृतिक और पारंपरिक योग का परिचय आम लोगों से करवा रही हैं। आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आपने बचपन से ही योग के अनुसार जीवन जीना सीखा है, पहले एक विद्यार्थी के रूप में और अब एक योगाचार्य के रूप में। आपकी इस योग यात्रा में अनगिनत लोग योग साधना करते हुए योग का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आपका सिर्फ यही अभियान है कि वास्तविक योग लोगों तक पहुंचे, जिसमें आज के इस बदलते परिवेश में लोग सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शैली जी ने अपने अनुभव से सिद्ध योग के एक नए स्वरूप को विकसित किया है, जिसमें शामिल है वो सभी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल योगासन जो तमाम तरह के रोगों से दूर रहने में हमारी मदद करते हैं। ये आसन अपने आप में एक पूर्ण अभ्यास है स्वस्थ रहने का। तो आइए जानते हैं सिद्ध योग के इस नए स्वरूप को। सिद्ध योग, सिद्ध योग एक बेहतरीन योग प्लान है जिसमें शामिल हैं 22 योगासन, माइंड और बॉडी के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करने वाले इन योगासनों को प्रतिदिन लगभग 45 मिनट करने से वेट लॉस और इंच लॉस होता है। इसके अलावा सिद्ध योग करने से क्रॉनिक डिजीजेस पे भी काबू पाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि सिद्ध योग मेडिटेटिव, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव किस्म का योग है। आज शैली जी हमें जो आसन बताने वाली हैं, उन आसनों का चुनाव विशेषकर मेनोपॉज की अवस्था से गुजर रही महिलाओं के लिए है। तो आइए शैली जी से जानते हैं मेनोपॉज क्या होता है और कौन से आसन करने चाहिए। मेनोपॉज, आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेनोपॉज मतलब मासिक स्राव बंद होना कुदरती तरीके से। इसमें ज़्यादातर गलतफहमी ये है कि जब लेडीज़ महिलाएं मेनोपॉज में आती है, ज़्यादातर उम्र होती है 40, आजकल मैंने देखा हुआ है 42 से मेनोपॉज शुरू होता है, 55 तक होता है। तो ज़्यादातर महिलाओं को गलतफहमी ये है कि चर्बी बढ़ती है, वज़न बढ़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। यस, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी, चर्बी बढ़ेगी अगर आप खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप अपने योगा को अपने लाइफ में नहीं डालेंगे। योगासना मेनोपॉज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी जैसे कि पेट की चर्बी को घटाने वाले आज हम कुछ आसन आपको बताने जा रहे हैं, कुछ मन को शांत रखने वाले आसन हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको खाने पे भी कंट्रोल उतना ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो गलतफहमी है, वज़न बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलो वज़न बढ़ सकता है। इसके लिए
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेनोपॉज में आपकी एब्डोमिनल मसल्स को टोन्ड अप होना बहुत ज़रूरी है। अगर एब्डोमिनल मसल्स टोन्ड अप नहीं होंगे तो मेनोपॉज के जो दूसरे लक्षण हैं वो हमेशा आपको होंगे। तो इसके लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हमने बहुत ही अच्छे एब्डोमिनल टोनिंग के कुछ आसनस आपको बताएंगे। वैसे तो आपको सारे पोस्चर्स करने चाहिए, सारे प्राणायाम्स करने चाहिए, लेकिन सपोज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप एवरीडे रेजिम में इन तीनों पोस्चर्स को डालना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं धनुरासन। कई लोग इसको धनुर्वक्रासन भी बोलते हैं। तो आप लेट जाइए पेट के बल, दोनों हाथ बिसाइड योर चेस्ट, चेस्ट लेवल पे होंगे, राइट। चीन ऑन द ग्राउंड, नॉट द फोरहेड, चीन ऑन द ग्राउंड, गुड। नाउ वेरी स्लोली लिफ्ट योर बोथ द लेग्स, फोल्ड योर बोथ द लेग्स, राइट। नाउ हाथों को उठाइए, हाथों को, और एंकल्स को पकड़िए, चीन ग्राउंड पे ही रखिए, पहले पकड़ लिए। अभी दोनों बॉडीज, लोअर बॉडी और अपर बॉडी को उठाइए, खाली एब्डोमिनल रीजन जो है वो ज़मीन को टच होना चाहिए। ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादातर आपके नी अगर जॉइंट हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। एक्सहेल करते हुए नीचे आइए। इस आसन को करने के बाद में आपको एक सेकंड के लिए मकरासन में सोना है। मकरासन की टेक्निक बहुत इजी है। हाथों को जस्ट इस तरह से फोल्ड करके अपने हेड को साइडवर्ड में लेके आइए। पैरों में थम्स टचिंग ईच अदर, हील्स अपार्ट, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कीजिए। उसके बाद में आप सेकंड राउंड शुरू करेंगे। चलिए गेट रेडी सेकंड राउंड के लिए। चीन ऑन द ग्राउंड, फोल्ड योर लेग्स, अभी मैं आपको ब्रीदिंग के साथ बता रही हूँ ये, होल्ड योर एंकल्स, इनहेलिंग लिफ्ट योर बॉडी, लोअर बॉडी अपर बॉडी बोथ द बॉडीज, एक्सलेंट, वेरी गुड। इनहेलिंग लिफ्ट योर थाइज टू, थाइज को भी ऊपर उठाना है, राइट। होल्ड योर ब्रेथ, टू थ्री फोर, एक्सहेलिंग रिलैक्स एंड लाई डाउन इन मकरासन। इसको कहते हैं धनुर्वक्रासन। आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है इसका। इसके लिए मैं कह रही हूँ, जब भी आप मेनोपॉज की वेट नहीं करें, जितने जल्दी हो सके योगा को अपनाना शुरू करें। अभी हम सेकेंड आसन देखेंगे, मर्जरासन। गर्ल्स रेडी, गेट द पोजिशन फॉर कैट पोज। मर्जरासन इज अ कैट पोज, सो बी ऑन योर नीज, बी इन अ कैट पोज, एग्जैक्टली। ये आपका जब शुरुआती में कैट पोज मर्जरासन करते हैं आपका यही पोस्चर रहेगा। आप घुटनों पे बैठेंगे, बॉडी को फॉरवर्ड मूवमेंट पे लेके आएंगे और हाथ भी आपके ज़मीन पे रहेंगे। अब आप इनहेल करते हुए नेक को ऊपर करेंगे और साथ ही साथ टेलबोन को भी ऊपर खींचेंगे। एक्सहेल करते हुए चीन को नीचे लेके आइए और चीन टू द चेस्ट, चीन को चेस्ट के साथ जॉइन कीजिए और एब्डोमेन को ऊपर खींचिए, सो द हम्प इज फॉर्म, ग्रेट। इनहेल, कम बैक, नेक अप, टेलबोन अप, फील अ ब्यूटिफुल रिलैक्सेशन हियर, वेरी नाइस स्ट्रेच फॉर योर स्पाइन, abdomen, exhale and come back. ये एक्सरसाइज आपके abdominal muscles को बहुत ज़्यादा टोन कर देगा। अभी रिलैक्स करते हुए काफ मसल्स पे बैठ जाइए। अभी हम पवन मुक्तासन करेंगे।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेनोपॉज के लिए, उसके साथ साथ हम पवन मुक्तासन 30-60-90 करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज आपके एब्डोमेन को हेल्दी रखने में मदद करेंगी। ओके, नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद द राइट लेग। राइट लेग 6 inches अवे फ्रॉम द ग्राउंड, इनहेलिंग लिफ्ट, एक्सहेलिंग फोल्ड योर लेग एंड विद द हैंड्स प्रेस योर लेग ऑन द एब्डोमेन वेरी टाइटली। हियर यू आर होल्डिंग द ब्रेथ but not more than 4 counts. Right, now inhaling, stretch your leg and exhaling, keep it down. With the other leg, inhaling, raise your leg 6 inches away from the ground. Right, exhaling, fold it, press your abdomen tightly so that your knee touches your chest, that tight. Hold your breath, 3, 4, release the pressure. Good. Now inhaling, stretch your leg and exhaling, keep it down. ये आपने पवन मुक्तासन किया, उसके बाद में जो एक्सरसाइज है वो है 30-60-90। इसमें थोड़ी आपको तकलीफ होगी, लेकिन और दर्दों से अच्छी ये तकलीफ है। थोड़ा सा आप शुरू करेंगे तो बाद में आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसमें और एक बात है, जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, जिनको सीवियर बैक है उन्होंने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे रखने हैं। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाइए। 30 डिग्री मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 inches फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, बी देयर फॉर 10 counts, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you are going to come to 60 degree. Raise your, very good. Raise your legs and no knee bending. There is no knee bending. Toes outward. Right. Very good. 6, 7, 8, 9, 10. Now 90 degree. तो 90 degree में आप 10 counts दे सकते हैं। अब जब मैं बोल रही हूँ तो 6 seconds already निकल गए इनके, इसके लिए मैं 7 से बोल रही हूँ, 8, 9, 10। अभी जब नीचे आ रहे हैं तभी भी आप 30-60-90 में आएंगे। तो अभी पहले legs आएंगे 60 में, यहाँ पर आप 10 counts तक hold करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 degree, 5, 6, 7, 8, 9, 10, release and relax. ये आप 2 to 3 times इन द बिगनिंग कर सकते हैं और देखिए एब्डोमेन की बहुत ही, मतलब आप अगर 1 महीना कंटिन्यू करेंगे तो आपका एब्डोमेन बिल्कुल पतला हो जाएगा, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम हो जाएगा। तो प्लीज़ ये आंसे, और सबसे अलावा ये दर्द या पतला होना, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि मेनोपॉज के बाद में बहुत सारे डिसीजेज आपको घेर लेती है, तो उन डिसीजेज को भगाने के लिए यही एक उपाय है कि आप योगा को, जो हम पोस्चर्स बता रहे हैं, उसको डेली अपने रूटीन लाइफ में लेके आइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।